मेरा रियलमी 2 प्रो है, बट अभी तक मेरा अपडेट नहीं आया। प्लीज क्या करूं बताइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल, आप देख रहे हैं रोमेनिया। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि अभी तक आपको अपडेट नहीं मिला है तो क्या करना चाहिए आपको अपडेट लेने के लिए। तो दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया और ये वाक्य में रियलमी की तरफ से एक सीरियस मैटर है, इसको हम सीरियस लेके ही चलेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ी रही है इस वीडियो में और इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस लाल कलर के बटन पर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद में आपको बेल आइकन दिखेगी, उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे कमेंट्स दिखाऊंगा जहाँ पर मेरे पास सिर्फ अपडेट के लिए ही कमेंट्स आ रहे हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, भाई मेरा रियलमी 2 प्रो है बट अभी तक मेरा अपडेट नहीं आया है। उसके बाद में नीचे आओगे तो अपडेट कब आएगा रियलमी 2 प्रो में, भाई मुझे भी नहीं आया है। उसके बाद में मिल गया दोस्त, थैंक यू। तो ठीक है भाई, आपको भी वेलकम। भाई अपडेट नहीं आया है कलर A6 का, मतलब इतने सारे यार अपडेट नहीं आया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अब मैं आपको बताऊंगा अपडेट लेने के लिए आपको करना क्या है। दोस्तों ये बात तो आपने सबने सुनी होगी, ये कहावत है, कहानी है, जो भी इसको बोलते हैं, कि एक सिंगल लकड़ी जो है अगर आप उसको तोड़ोगे तो वो टूट जाएगी, और वहीं पे अगर आप 10 लकड़ी ले लोगे और उनको एक साथ तोड़ोगे तो वो नहीं टूटेगी। क्यों नहीं टूटेगी? इसीलिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं सीधा कंपनी से कहता हूँ या फिर मेरे थ्रू आप मुझे कह रहे हैं, मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, सीरियसली उससे कुछ नहीं होगा। आप सभी को एक साथ मिलके कंपनी को टैग करना है ट्विटर पे। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर पे कंपनी को टैग करना है आपको, और ये बोलना है कि मुझे अपडेट क्यों नहीं मिला। आपने बोला था कि इस टाइम पे इस डेट तक या फिर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में अपडेट मिल जाना चाहिए था, बट 3 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, क्यों नहीं मिला, हमें इसका जवाब जानना है। चलिए सीधा मैं आपको ट्विटर पे ले चलता हूँ और वहीं पे दिखाता हूँ मैं आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जो है माधव सेठ का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ पे आ गया हूँ, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने इनको जो है कहा है कि भाई मेरे पास रियलमी 2 है मेरे पास और अभी तक अपडेट नहीं आया है। देखे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि ये बोल रहे हैं कि रियलमी 2 प्रो का अपडेट नहीं मिला है मुझे अभी तक। तो इस तरीके से आप सीधे सीधे कंपनी से जुड़ सकते हैं और कंपनी को ये बोल सकते हैं कि मुझे अपडेट क्यों नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, ये करना पड़ेगा आपको, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और दोस्तों आप ये सोच लीजिए कि ट्विटर एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसके लिए क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं इसका आपको हकीकत बताता हूँ। दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है जिसने एक हार्ड डिस्क ऑर्डर करी थी फ्लिपकार्ट से। अब हुआ क्या था, वो जो हार्ड डिस्क थी वो डैमेज थी, बट जब भी वो कंपनी को कॉल करता है कि यार देखो कंपनी वालों, आपने मुझे जो है हार्ड डिस्क ख़राब दी है, अब मुझे इसको रिप्लेस करवाना है, या तो आप रिप्लेस कर दो या फिर मेरा रिफंड दे दो। बट कंपनी उसको सुन के भी अनसुना कर रही थी। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, बट अभी तक, मतलब तब की बात बता रहा हूँ, बट तब तक उसको कोई जवाब नहीं आ रहा था। बट दोस्तों वो ट्विटर वगैरह पे इन सब पे एक्टिव रहता था, तो इसीलिए उसने मेरे को ही बताया था कि भाई देख अब बहुत हो चुका, अब जा रहा हूँ मैं ट्विटर पे कंपनी को टैग करके, और सारी की सारी जो रिपोर्ट है, जो भी मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब मैं डालने वाला हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, कर दे एक बार। तो जैसे ही दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे पता नहीं आप मानोगे नहीं मानोगे, तो ये बट हकीकत है जो आपको मैं बता रहा हूँ। तो उसने उस टाइम पे डाला और दोस्तों आधे घंटे बाद ही कंपनी का उसके पास कॉल आ गया, और कंपनी बोलती है कि सर देखिए क्या इशू है, उसको हम जल्द से जल्द फिक्स करने की कोशिश करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। मतलब दोस्तों उसके आधे घंटे बाद तो कंपनी का कॉल आ गया, और उसके 2 घंटे बाद में दोस्तों जो पिकअप करने वाला बॉय था वो हार्ड डिस्क लेने आ गया। अब आप इससे ये सोच लो कि ट्विटर कितनी बड़ी चीज़ है, ट्विटर में कितनी पावर है। तो यहाँ पर आप कंपनी को आप सीधे सीधे टैग करिए, कंपनी से पूछिए कि हमें रियलमी 2 प्रो में अपडेट क्यों नहीं दिया आपने, आपकी जो डेट थी, आपकी जो टाइमलाइन थी, तब तक आपने हमें क्यों नहीं दिया अपडेट। दोस्तों वाक्य में ये सीरियस मैटर है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, और खास के ये रियलमी 2 प्रो वाले के लिए, क्योंकि वो एक स्टेबल अपडेट है। और हाँ, ये सबका हक है, जो जिन जिन के पास रियलमी 2 प्रो है उनको स्टेबल अपडेट मिल जाना चाहिए अब तक तो, और अभी भी नहीं तो दोस्तों चलो ठीक है 1 हफ्ते और रुक लेते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद में काफ़ी टाइम हो जाएगा। 1 हफ्ते के टाइम में फिर आप बिल्कुल भी मत रुकिएगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं बीटा अपडेट वालों के लिए। दोस्तों बीटा अपडेट के लिए आप लोग इस तरह का कुछ भी मत करना, क्योंकि कंपनी ये साफ बोलती है लिमिटेड टेस्टर्स को ही मिलेगा, यानी कि जो बीटा अपडेट है वो लिमिटेड यूजर्स को ही मिलेगा, सिर्फ चेक करने के लिए कि वो अपडेट सही है, कोई बग वगैरह तो नहीं है।
तो वो चेक करने के लिए कुछ यूज़र्स ही काफ़ी है। तो ऐसे में आप इस चीज़ को सीरियस मत लीजिएगा। हाँ, स्टेबल अपडेट आपको सबको मिल जाएगा, लेकिन बीटा के लिए आप सीरियस मत होइएगा। तो बीटा के लिए ये खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन स्टेबल वालों के लिए है। अगर आपको स्टेबल अपडेट नहीं मिला है तो आप इस तरीके से ट्राई करिए। और दोस्तों यकीन मानिए, जितने ज़्यादा यूज़र्स ट्विटर पे जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा यूज़र्स कंपनी से पूछेंगे, तो कंपनी इस बात को, इस मैटर को सीरियस लेगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया ट्विटर क्या चीज़ है। कमाल है। तो ट्विटर एक उड़ता पंछी है, कहीं भी उड़ के जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। तो आपको करना है, और आप अब देखो अपडेट लेना है तो भैया इतना तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसा जैसा कंपनी बोलती है एक बार वैसा कर दीजिए। हाँ, एक बार कर दीजिए, फिर भी उसके बाद में आपको अपडेट देखने को नहीं मिलता, तो भैया फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ। फिर तो रियलमी का बेड़ा पार है, और रियलमी बेस्ट कंपनी है। तो मैं यहाँ पे किसी भी कंपनी के लिए बुरा नहीं कह रहा हूँ, रियलमी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन निकालती है सही रेंज के अंदर। बट दोस्तों, आफ्टर सेल सर्विस भी कोई चीज़ होती है, अपडेट भी कोई चीज़ होती है। तो अगर यूज़र्स को अगर खुश रखना है, तो दोस्तों आगे आने वाले समय में उस फ़ोन के अंदर नए से नए अपडेट्स देते रहना चाहिए, अपडेट में सुधार करते रहना चाहिए। तो ये कुछ टिप्स है जो कंपनी, हर एक कंपनी फॉलो करती है, बट रियलमी थोड़ा डिले कर रही है, लेट हो रही है। मैं नहीं जानता क्यों कर रही है, लेकिन अगर लेट करेगी तो रियलमी कंपनी का ही लॉस है, ये हम सब जानते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पर आके जुड़िए और कंपनी को टैग करिए। दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यहाँ पर आइए सिंपली, और ट्विटर पर आइए। और ये दोस्तों बहुत कमाल की चीज़ है ट्विटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया उड़ता पंछी है, कहीं भी जाके बैठ सकता है, कैसे भी उड़ सकता है। तो फटाफट से आ जाइए और फटाफट से धमाल मचा दीजिए ट्विटर पे, और आई होप आपको फिर उसके बाद अपडेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, मैं मानता हूँ, ठीक है। और हो गए होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ में। जब तक के लिए ख्याल रखें अपना, अपनी फैमिली का। तो जय हिंद, वंदे मातरम, और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Every day taking trips on my name.